कर रहा तो जालौर में भीनमाल उपखंड मुख्यालय माते सबसुम बोटो सरकारी अस्पताल वो भाल बेहाल है। सरकारी अस्पताल में आए लोगों ने केड़ी सुविधा मिल ले रही है। आज जानवा सारू रात में 10:30 बजे जब फर्स्ट इंडिया न्यूज री टीम भीनमाल सरकारी अस्पताल पूगी तो टावरा ने इलाज सारू बढ़िया गया विशेष कक्ष में आए लाखों रुपया री मैगी मिशनरी तो मिली पर एक मेल नर्स के अलावा एक भी शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलो। बटे ही लाड़ला 4 महीना सु शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर का पद खाली हो बारे चलता लोगों ने भी घनी परेशानी रो सामना करना पड़े है। इतो ही नहीं बल्कि अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हो बारे चलता महिला नर्स रे भरोसे ही प्रसव क्यों जा रही है। जिंडे चलता अस्पताल में डिलीवरी की संख्या में भी मोटी कमी आई है। लोग निजी अस्पताल में जावा सारू मजबूर है। और खबर पर सहयोगी लूणा नाम जुड़ गया है। लूणा नाम अब नर्स ने भरोसे ही अस्पताल है अब आप नाई कहो है जालौर जिले और भीनमाल मुख्यालय जगह मोटी संख्या में लोग रह रहे हैं। लोगों की सुविधा वास्ते सरकारी अस्पताल में मशीनरी लागी मशीनरी के साथ ही जो प्रसव के बाद में छोटा बच्चा जो हुआ शिशु है वो उपचार वास्ते भी महंगी मशीनरी लगाई लेकिन अच्छे डॉक्टर का जो पद है रिक्त है डॉक्टर का पद रिक्त होने के कारण लोगों ने भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई बार जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों ने शिकायत भी कर दिया लेकिन चिकित्सा विभाग में जो व्यवस्था है आराम भरोसे ही चाले है। चिकित्सा विभाग का जो अधिकारी है वे पूर्णपनी नींद में है जिन्हें कारण जो सरकारी अस्पताल में लोगों जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिल रही है। जो डॉक्टर बच्चों जो डॉक्टर होना चाहिए वो डॉक्टर पद है वो लंबे समय रिक्त 4 महीना हो गया है। महंगी मशीनरी व धूल फाके खराब हुए है शिकायत वही है। इस मामले के लिए लोग लगातार जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सा विभाग का जो मोटा अधिकारी है माने शिकायत तो करे है लेकिन शिकायत के बावजूद अधिकारी है बेकुम करनी नींद में है। एक जो नर्स है वहां प्रसव करावे एक नर्स है वहां सिर्फ शिशु जो वार्ड हुए इसमें बैठा करे टाइम पास करे लेकिन ये बात एक मोटी दिक्कत है बात दिक्कत का सामना लोगों करना पड़े। जी जी तो नर्स ने भरोसे यहाँ अस्पताल चल रही है और अबार कार्रवाई कोई शिकायत रे पाछे भी कोई लापरवाही सामने आई है। घर घर धन्यवाद लूणा नाम। अभी खबर नाम